नमस्कार निवेश कार्यक्रम में आपका स्वागत है इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं और इन्वेस्टमेंट का गोल क्या होता है किस उद्देश्य से हम निवेश की तरफ जाते हैं बहुत सारी इसके सवाल हैं बहुत सारे जवाब होते हैं निवेश का एक जो मतलब हो है कि हम किसी भी तरह से इन्फ्लेशन के नज़दीक पहुँचें उसको बीट करें महंगाई दर जिस अनुपात में बढ़ती है हमारा निवेश भी उसी अनुपात में हमें ग्रोथ मिलना चाहिए वो एक सफल निवेश कहलाता है इसके अलावा हम अपनी पैसे भी इनकम भी बढ़ाना चाहते हैं और कई ऐसे हैं कि भविष्य के लिए एक आर्थिक समृद्धि की इस योजना के साथ हम निवेश की तरफ जाते हैं लेकिन जब हम निवेश करते हैं निवेश का दायरा बढ़ता है हमारी ग्रोथ बढ़ती है निवेश में हमारा प्रॉफिट बढ़ता है तो हमारे पास एक लाइबिलिटी भी आती है आयकर की इनकम टैक्स अपनी आमदनी के अनुसार उसी अनुपात में आपको क्या इनकम टैक्स लगता है क्या स्लैब है और किस तरह से आमदनी के साथ इनकम टैक्स का संबंध है आइए आज इसी विषय पर बात करते हैं आयकर और निवेश ये विषय है हमारे आज के इस कार्यक्रम का और हमारे साथ आपसे जानकारी साझा करने के लिए आपको जागरूकता के लिए आप तक टिप्स पहुंचाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है विशेषज्ञ श्री शैलेश गोयल जी शैलेश जी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है वित्त विशेषज्ञ हैं हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं श्री अनिश जैन साहब अनीश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप आयकर के बारे में सवाल कर सकते हैं और शैलेश गोयल जी आपके निवेश के टिप्स लेकर तैयार हैं आप भी कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से नोट कीजिए हमारे फोन नंबर्स टू डबल सिक्स डबल जीरो फोर नाइन हमारे यहाँ का टेलीफोन नंबर है और भोपाल का एस कोड है ज़ीरो सेवन डबल फाइव टोल फ्री नंबर भी आपके लिए उपलब्ध रहेगा वन तैयार हो जाइए फ़ोन करने के लिए और आयकर और निवेश से संबंधित आज देखते हैं हमारे विशेषज्ञ क्या आपको जानकारी देते हैं शुरुआत करते हैं शैलेश जी आपसे ही आयकर और निवेश दोनों ही फाइनेंशियल ईयर से जुड़े हुए होते हैं जब वित्तीय वर्ष शुरू होता है हमें पूरा 12 महीने का पर्याप्त समय मिलता है निवेश की प्लानिंग के लिए भी और टैक्स की प्लानिंग के लिए भी तो सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कैसे की जाए देखिए दो तो दो तरह से देखा जाए कि जब अपना साल चालू होता है तभी अपने को पता हो जाता है अगर एक सैलरीड आदमी है तो उसको पता होता है कि मेरे अगले साल की आय क्या होगी क्या इनकम क्या है उस अकॉर्डिंगली वो पहले से ही अपने सारे फाइनेंशियल प्लान करना चाहिए उस आदमी को चाहे वो टैक्स सेविंग्स हो या फिर नॉर्मल इन्वेस्टमेंट्स हो अगर अपन टैक्स सेविंग्स की बात करें तो उसके पास मल्टीपल ऑप्शनस रहते हैं आज की डेट में पहले आदमी सिर्फ इंश्योरेंस में ही फोकस करता था टैक्स सेविंग के पर्पज़ से आज की डेट में बहुत सारे अपने पास में ऑप्शन हैं जहाँ पर आम आदमी एक्ट टैक्स सेविंग स्कीम कर सकता है बैंक के अंदर भी ए के अंतर्गत में एफ होती है आ, इसके बाद में म्यूचुअल फंड्स के अंदर ई एल स्कीम होती है बैंक के एफडी के अंदर पाँच साल का लॉक इन होता है म्यूचुअल फंड्स के अंदर तीन साल का ही लॉक इन होता है जो मार्केट लिंक चलती है जिसके अंदर मार्केट का उतार चढ़ाव बना रहता है उसके अकॉर्डिंगली उसके अंदर उसके निवेश पे उसके रिटर्न्स मिलते हैं इसके अलावा पोस्ट ऑफिस स्कीम्स भी हैं जैसे पेंशन पीपीएफ भी होता है जिसके अंदर मोटा मोटा सेवन पॉइंट वन परसेंट का एक ब्याज अपने को मिलता है एन स्कीम भी है नेशनल वो भी है जिसके अंदर अपने को कर सकते हैं एन भी है जिसके अंदर अपना आदमी निवेश कर सकता है जो पोस्ट ऑफिस में होती है तो ये कुछ स्कीम्स हैं जहाँ पर आप टैक्स सेविंग के साथ में अपने इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही फाइनेंशियल की प्लानिंग में स्टार्टिंग में यूज़ कर सकते हैं जी अनिश जी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और अभी तो ये पिछला जो महीना निकला है काफ़ी आपकी व्यस्तताओं से भरा हुआ रहा है और आई फाइल करने का ये सब रहता है लेकिन एक ऐसा देखा जाता है कि जो टैक्स पेयर्स हैं या एक आम धारणा है मानसिकता वो लास्ट मोमेंट के लिए बैठे रहते हैं तो अग, अब जैसे कि हमें फाइनेंशियल ईयर में पूरा ही समय मिलता है अप्रैल से लेके 31 मार्च तक आपके पास समय है तो जिस तरह से इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग की जाती है आपके पास पर्याप्त समय होना चाहिए क्या टैक्स की भी प्लानिंग उसी तरह करना चाहिए शुरुआती महीने से बिल्कुल आपने इस विषय को सही समय पर उठाया है अभी चूंकि साल की ही है तो हम जैसे शैलेश जी ने बताया इन्वेस्टमेंट सही समय पे होना चाहिए उसी तरीके से अपना टैक्स की प्लानिंग भी यदि सही समय पे सही तरीके से कर दी जाए तो हमको कभी भी एंड में जाके ये नहीं लगेगा कि हम के हमारे ऊपर इतने टैक्स की बर्डन आ रही है तो टैक्स की प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग अगर आप साथ करें यानी इसको पूरा एक तरीके से बोल लिया जाए कि अपने को फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू से ही कर लेनी चाहिए तो वो प्लानिंग आपको अगर आप शुरू से करेंगे यदि आपके सी से भी आप शुरू से ही संपर्क में रहते हैं फाइनेंशियल एडवाइज़र से संपर्क में रहते हैं तो वो चीज़ यदि आप शुरू से ही करेंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और एंड की जितनी भी हेफाजत वे में करने की आपकी जो लाइबिलिटी होती है उससे आपको एक मेंटल पीस और रिलैक्स मिलेगा अभी सबसे बड़ा सवाल सभी लोगों के मन में दुविधा ये है कि हम ओल्ड टैक्स रिज्यूम में जाएं नए टैक्स रिज्यूम में जाएं वो इसके लिए आपस में भी चर्चा करते रहते हैं फाइनेंशियल कंसल्टेंस चलिए हम रिज्यूम के बारे में आप बातचीत करेंगे आगे चल के फिलहाल हम शैलेश जी जिस तरह से इन्वेस्टमेंट का जो तरीका चल रहा है इस समय काफ़ी कुछ ग्रोथ इन्वेस्टमेंट में भी देखी जा रही है और इन्वेस्टर्स में भी देखी जा रही है <laughs> इन्वेस्टर्स की तादाद भी बढ़ती जा रही है ख़ासतौर से म्यूचुअल फंड के बारे में तो बड़ा ज़बरदस्त

पाँच लाख करोड़ को क्रॉस करने में भी बला समय लगेगा पांच लाख से आज पचपन पच्च लाख करोड़ मतलब बीस साल के अंदर आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं इतनी ग्रोथ है और ऑल टाइम बाजार हाई तो आपको हमेशा मिलेगा क्योंकि कि किसी भी देश की ग्रोथ इकोनॉमिक की ग्रोथ उसके शेयर मार्केट से रिफ्लेक्ट होती है तो चूंकि अपना देश एक प्रगतिशील देश है तो उसका रिफ्लेक्शन आपको उसके शेयर मार्केट में देखने को मिलेगा तो ये ऑल टाइम हाई आप आज से छः साल पहले 2018 के अंदर एक ऑल टाइम हाई बना था उस उस समय भी लोग बात बोलते थे ऑल टाइम हाई और भी आज दो हज़ार चौबीस में ऑल टाइम हाई बनाएं तो आप हर पाँच साल के अंदर ये ऑल टाइम हाई देखेंगे लेकिन कम अवधि के अंदर में साल डेढ़ साल के अंदर ये बाजार के अंदर उतार चढ़ाव हमेशा बने रहेंगे लेकिन जहाँ आप अपने निवेश को कम से कम तीन से पाँच साल का समय देते हैं तो वो ग्रोथ उतनी हो जाती है कि ये वॉलीटिटी जो इमीजिएट की वॉलीटिटी थी वो खत्म हो जाती है तो उसका बेनिफिट आपको उसमें लंबे समय में मिल जी 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 अनिश जी हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं नंबर्स की बात कर रहे हैं तादाद बढ़ रही है आयकर में भी ये देखने को मिल रहा है इनकम टैक्स का दायरा बढ़ा है और उससे जो अर्न रेवेन्यू बढ़ रहा है जो उस वो भी काफ़ी कुछ अच्छी उसमें आई है और आयकर दाता भी बढ़े हैं पहले उस तरह से ट्रांसपेरेंसी नहीं होती थी लेकिन अब सब इस तरह के दायरे में आ चुके हैं कि बचना किसी का भी नामुमकिन है और ईमानदारी से सारा कुछ हो रहा है हाँ। तो आयकर दाताओं की संख्या में आप किस तरह से वृद्धि देख रहे हैं सर आयकर दाताओं की संख्या में वृद्धि होने का सबसे जो बड़ा कारण रहा है वो है ए आई एस इन्फॉर्मेशन बिल्कुल पहले ए आई एस इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ करती थी तो सरकार को आयकर विभाग को ये पता ही नहीं लगता था कि बहुत से लोगों ने क्या किया और क्या छुपाया है जी। लेकिन अब मेरा सभी से ये रिक्वेस्ट है निवेदन है कि जो भी आप व्यवसाय कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं रिडम्शन कर रहे हैं निवेश कर रहे हैं उसको आप रिटर्न भरते समय सबसे ज़्यादा पहले ये चेक कर लें कि हमने जो किया है वो हमारे रिटर्न में दर्शाया है या नहीं दर्शाया यदि आपने उसमें से कोई भी एक चीज़ छोड़ी है तो आपको इनकम टैक्स नोटिस आने की संभावनाएं उतनी ही बढ़ जाएगी ए आई एस के बारे में थोड़ा सा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह का ये ऐप है क्या सिस्टम है और कौन इसको ऑपरेट करता है ये आयकर विभाग द्वारा बनाया हुआ एक सिस्टम है उस सिस्टम में आयकर विभाग ने एक ऑटोमेशन कर दिया है जिसमें उस ऑटोमेशन के तहत आप की जितनी भी चाहे वो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट हो म्यूचुअल फंड का रिडम्शन हो या आपने कोई बॉन्ड्स खरीदे हैं तीस लाख से ऊपर की आपने कोई रजिस्ट्री कराई है कोई प्रॉपर्टी खरीदी है ऐसे कई सारे उसमें पॉइंट्स हैं जो कवर कर लिए जाते हैं यदि आपने उनमें से कुछ किया है और आपने नहीं दर्शाया तो वो तुरंत उनके संज्ञान में आ जाता है और उसके तहत नोटिस सर्व किए जाते मतलब हैं आज या? अगर कोई भी व्यक्ति जरा ट्रांजेक्शन करता है मार्केट में कुछ भी ट्रांजेक्शन करता है फाइनेंशियल तो वो सारी जानकारी ए आई एस इंफॉर्मेश वहां पहुंच जाती है तो हमारा सबसे यही निवेदन है कि जब भी अपना रिटर्न भरें तो उस ए आई एस इंफॉर्मेशन को हमेशा क्रॉस चेक कर लें कि उसमें दिखाई गई कोई ऐसी जानकारी तो नहीं है जो हमने हमारे रिटर्न में सम्मिलित नहीं की है जी शैलेश जी इस समय करंट सिनेरियो आप कैसा देख रहे हैं मार्केट का और आगे क्या आपको संकेत नजर आ रहे हैं उसमें देखिए मार्केट तो हमेशा अगर निवेश के हिसाब से देखे जाए देखो दो चीज़ हो जाती है एक निवेश मतलब जैसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग अगर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट के संबंध में देखें बाजार को तो वो हमेशा अच्छा है क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग लॉन्ग टर्म के हिसाब से किया जाता है ट्रेडिंग के पर्पज से हमेशा मार्केट वॉलेटल रहेगा और हमेशा आप कोई सा भी पेड़ उठा के देख लीजिए साल डेढ़ साल का कोई सा भी पेड़ उठा के देख लीजिए महीने दो महीने साल भर डेढ़ साल ये ऐसे पेड़ है जहाँ पर मार्केट वॉलेटाइल तो हो गई होगा लेकिन जहाँ आपने अपने इन्वेस्टमेंट को एक अवधि दे दी समय दे दिया भाई रातों रात तो बच्चा पैदा होकर दौड़ने नहीं करता ना तो वैसे आप उसको भी समय देते हैं उसी तरह से अपने पैसे को भी इन्वेस्टमेंट के लिए समय दें अपने इन्वेस्टमेंट को समय दें ताकि वो ग्रो करे तो बाजार हमेशा अच्छा है क्योंकि आपका देश जो है प्रगतिशील देश है जहाँ पे जिस देश में प्रगति है जहाँ पे काम हो रहे हैं जहाँ प्रगति है जहाँ पर है जो प्रगतिशील देश कोई सा भी हो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की पॉजिटिव हमेशा बनी है। तो इन्वेस्ट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अपना बाजार बहुत अच्छा है ऐसे बाजार बाद में मिलेंगे नहीं आप दस साल बाद ऐसे बाजार ढूंढते रह जाएंगे नहीं मिलेंगे बिल्कुल अगर ग्लोबल मार्केट में देखा जाए तो जो सबसे ज़्यादा भरोसा इस समय भारतीय बाजारों पर किया जा रहा है विदेशी निवेशकों द्वारा भी और काफ़ी कुछ यहाँ पर सुरक्षित और अपने आप को वो वृद्धि की ये संभावनाएं देख रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जी आयकर के लिए जिस तरह से बताया जाता है कि ए तो आपने बता ही दिया बाकी जब कोई सी के पास जाता है या स्टेटमेंट्स तैयार करना पड़ते हैं तो कई बार कैश मेमो हो होते हैं बिल्स होते हैं उनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है लोग लापरवाही बस उनको कहीं मिसप्लेस कर देते हैं है। तो वो किस तरह से उसको मेंटेन किया जाए Uh, सबसे पहले जो हमारा वित्तीय वर्ष शुरू होता है उस वित्तीय वर्ष के शुरू में आप आप अपनी एक अलग अलग प्रत्येक ईयर की एक फाइल बना लें अच्छा, अच्छा। दैनिक दिनचर्या के जो भी बिल आते हैं जो भी आपने कोई असेट्स परचेस की है कोई मोबाइल परचेस किया है कोई आपने गाड़ी परचेस की है उससे संबंधित जो भी बिल हैं वो आप एक साथ लगाते जाएं उसमें मंथ वाइज उसमें बना लें और उसके हिसाब से यदि आपकी अकाउंटिंग होती है तो आप अकाउंटिंग करें यदि अकाउंटिंग बहुत से लोग हैं जो अकाउंटिंग नहीं करते हैं तो उस क्रम में उसको व्यवस्थित करते जाए ताकि साल में आपको एक साथ उसका नहीं ढूंढना पड़े एक अप्रैल के शुरू में जिन भी चाहे वो सीनियर सिटीज़न हो जो आयकर के दायरे में नहीं आते हैं उनको ये शुरू में ध्यान रखना चाहिए कि 18 से 20 तारीख़ के बीच में बैंक में जाके 15 जी एच फॉर्म जो होते हैं अच्छा, वो सबमिट करके आ जाएं ताकि उनका जो टी नहीं कटना चाहिए अगर वो आयकर के दायरे में नहीं आते हैं हुँ. तो वो नहीं कटे ताकि उस एंड में उनको ये परेशानी नहीं आए कि हमको रिफ़ंड लेना है हमको ब्याज कम मिला है तो एक आप जब आप शुरू से उसकी प्लानिंग करें तो आप ये भी ध्यान रखें कि हमको अप्रैल माह में टी के लिए फॉर्म जी सबमिट करने हैं और इसी तरीके से आप एक अपनी फाइल बनाते रहें आपका जो विशेषज्ञ है जो आपको रिटर्न सबमिट करवाता है जो CA है जो वकील हैं उनसे आप साल में एक बार ना मिलने की जगह मेरा ये निवेदन है कि उनसे आप साल में तीन बार चार बार मिलें बिल्कुल तो उससे आपकी टैक्स प्लानिंग भी हो जाएगी इन्वेस्टमेंट अच्छा। प्लानिंग भी हो जाएगी आप मिलते रहेंगे तो आपको जो साल के मध्य में भी जैसे अभी ये जो बजट आया है ये अभी इंटरम बजट है अभी हाँ। इल, इसके बाद एक बजट और आएगा, आएगा वैसे उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं होना है लेकिन आपको उसके बारे में भी जानकारी समय समय पर मिलतीट लेते अपडेट मिलते रहेंगे तो आप अपने आप जो चीज आपकी छूट सकती है वो नहीं छूटे बिल्कुल सही है शलेश जी अपडेट्स बहुत जरूरी है जैसे कि अभी बताया अनिश जी ने कि अपडेट्स लेते रहिए तो इन्वेस्टमेंट में मार्केट तो पल प्रतिपल बदलता रहता है सही बोल रहे हैं और वो अपडेट होना आपको बहुत जरूरी है <laughs> मार्केट तो डेली मतलब अपडेट्स इतना इतना फास्ट अपडेट्स होते हैं यहाँ पे कि कोई जो प्रोफेशनली एल... ये काम करते हैं एक्सपर्ट्स हैं या सलाहकार हैं वो तो रहते हैं उनके पास सिस्टम ऐसा रहता है लेकिन इन्वेस्टर्स जिनका छोटा मोटा ये इन्वेस्टमेंट है वो अपने आप को कैसे उसको अपडेट रखें देखिए आप तरीके बताएंगे और किस तरह से देखिए इन्वेस्टर्स को बहुत जरूरी अपने देखो चले जी, हम आपसे चर्चा करेंगे फिर एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से नंदस्वरूप नंदस्वरूप मिश्रा जी हलो। 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 जी जी हेलो हेलो स्वागत है सवाल कीजिए हाँ सर मैं जानना यह चाहता हूँ कि कुछ तो चीजों से लेकर के कितनी उम्र तक हम निवेश कर सकते हैं आय में कितनी उम्र तक हम छूट पा सकते हैं जैसे हमारा एक साल का बच्चा है पचास साल का हो गया सात साल का हो गया सत्तर साल का हो गया साल का हो गया तो निवेश कर सकते हैं और किस में हैं सकते हैं। जी, सवाल करने किस कर कुछ एज फैक्टर भी होता है क्या एज अपर एज लिमिट है नहीं कोई अपर एज लिमिट नहीं है आप सीनियर सिटीजन सुपर सीनियर सिटीजन सब इसमें है हाँ। निवेश की कोई उम्र नहीं होती आप किसी भी उम्र में निवेश शुरू कर सकते हैं बस ये है कि जब तक आप माइनर का निवेश करते हैं तो उसमें क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल हाँ। होते हैं जो कि माता या पिता जिनकी भी आय ज़्यादा होती है उसकी आय में वो जो भी उसका रिटर्न आता है वो, है वो जुड़ता है और जब वो सिटीजन 18 साल के ऊपर व्यस्क हो जाते हैं तो उनका अपना खुद का रिटर्न सबमिट होने लग जाता है अच्छा। तो इसका कोई वो बेरियर नहीं है कि आप शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं जैसे सुकन्या संबंधी योजना है पी अकाउंट है अच्छा। वो आप कम उम्र से भी चालू कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट के बारे में और गोयल जी बताएंगे इसे लेकिन इनकम टैक्स के लिए वही प्रोविज़न है कि बस जब तक आप माइनर रहते हैं आपका क्लब इन प्रोविजन जो रहता है वो माइनर का गार्जियन में जोड़ता है और उसके बाद खुद का हो जाता है बिल्कुल शैलेष जी शुभ काम जितनी जल्दी किया जाए उतना अच्छा रहता है <laughs> तो अगर इन्वेस्टमेंट के लिए कोई आ, बहुत अर्ली एज में इसमें जुड़ना चाहे हाँ तो किस तरह से वो एक, क्या प्रोसेस होती है देखिए जितनी जल्दी कॉस्ट ऑफ डिले इसको बोला जाता है एक फाइनेंशियल लैंग्वेज के अंदर कॉस्ट ऑफ डिले मतलब अगर आप पच्चीस साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट करना चालू नहीं करते हैं और पैंतीस साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट करना चालू करते हैं तो आपको आपके फाइनेंशियल गोल में पहुंचने में कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कितना कम इन्वेस्टमेंट करना का जल्दी उम्र में अपना इन्वेस्टमेंट चालू करते हैं तो तो जितनी जल्दी आप अपना इन्वेस्टमेंट चालू करें उतना आपका अच्छा है एक छोटा सा अनिश जी आपसे पूछूं कि अगर एक आम आदमी के लिए कुछ गोल्स होते हैं रिटायरमेंट के लिए होता है या चाइल्ड एजुकेशन के लिए होता है तो आम आदमी सोचता है रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तो मुझे बहुत समय है तो उसका इम्पैक्ट आई थिंक कितना होना चाहिए कि अगर आप एक आम आदमी एक रिटायरमेंट ले तो उसको कितना अमाउंट होना चाहिए कि हाँ उसकी बाकी की जिंदगी बड़े अच्छे से चल जाए एक आम आदमी मतलब हाई फाई लिविंग की बात नहीं कर रहा मैं बिल्कुल किसी तो, भी आम आदमी को इन्वेस्टमेंट करने से पहले आज को नहीं देखते हुए उसको फ्यूचर को देखना चाहिए और उसके लिए उसको इन्फ्लेशन हाँ, जिसको बोलते हैं उसको तो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए छोटा सा एक अब देते एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि किसी आम आदमी को एक रफली जो एक मध्यम मध्यम परिवार है तो उसको हम मानते हैं कि दो करोड़ रुपये के आसपास अगर उसको ज़रूरत है कि उसके पास अगर हो तो वो आगे की लाइफ अपनी बड़े आराम से जिसमें बीमारी के खर्चे भी कवर हो जाए सब चीज़ों से खर्चे कवर हो जाएँ और उसकी उम्र आज तक पैंतीस साल है और पचपन की एज में आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं क्योंकि अगर सरकारी नौकरी है तो अलग बात है अदरवाइज आम आदमी पचास पचपन के बाद काम करना थोड़ा सा उसके लिए हेक्टिक हो जाता है और इन्फ्लेशन अगर अपन पाँच परसेंट का भी पकड़ें पाँच परसेंट का इन्फ्लेशन पकड़ें और अपने जितने भी निवेश हैं चाहे वो आपने शेयर्स में लगा रखे हों म्यूचुअल फंड्स में लगा रखे हों प्रॉपर्टी में लगा रखे हों एफ डी में लगा उसका कंपोजिट एक एवरेज रिटर्न माने तो बारह साढ़े बारह परसेंट का रिटर्न अपन माने और आज आपके पास में अगर खुद की सेविंग पच्चीस लाख रुपये पैंतीस साल की उम्र में है तो आपको कितने पैसे की जरूरत है आप सुन के ताजुब पाएंगे कि दो करोड़ आप सोचते हैं तो बीस साल बाद आपको करीबन पांच करोड़ पैंतीस लाख रुपए की जरूरत पड़ती है पांच परसेंट से जोड़ा है तो ये आप देखिए कि इन्फ्लेशन जो आपने बोला वो इन्फ्लेशन पांच परसेंट इज बहुत लो इससे लो, इस लो इन्फ्लेशन पकड़ना बड़ा मुश्किल तो आपको सोचना चाहिए ये है कि बढ़ाते रहे बिल्कुल जी अनिश जी इस समय लोग बड़े दुविधा में महसूस करते हैं ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम बिल्कुल तो दोनों के क्या फ़ायदे हैं और कौन सा किसके लिए उपयुक्त है हाँ मैं इसकी थोड़ी आपको ब्रीफिंग कर देता हूँ आपको यदि आपकी इनकम सात लाख रुपए तक की है जी। यदि सात लाख रुपए तक की इनकम है तो आप बिना सोचे समझे न, नए टैक्स रिज्यूम में आप चले जाइए उसमें आपको बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा यदि आप सैलरीड हैं तो आप उस इनकम को साढ़े सात भी है तब भी आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा तो भी आप न्यू टैक्स रिज्यूम में चले जाइए क्योंकि पचास हजार का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा अच्छा यदि उस आपकी इनकम उससे ज़्यादा है तो फिर हमको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि आपको नए टैक्स रिज्यूम में फ़ायदा है या ओल्ड टैक्स रिज्यूम में फ़ायदा है लेकिन एक मोटा मोटा कैलकुलेशन के अनुसार यदि आपकी दस लाख रुपए तक की भी आय है तो दस लाख रुपए तक की आय में भी आपको नए टैक्स रिज्यूम में ही फायदा होगा लगभग पंद्रह हजार छः सौ रुपये आपको नए टैक्स रिज्यूम से बचते हैं अच्छा, अच्छा अब मैं आपको एक ब्रीफ कर देता हूं कि नए टैक्स रिज्यूम में आपको डिडक्शन कौन कौन सी मिलेगी जी नए टैक्स रिज्यूम में अभी जो मोटा मोटा डिडक्शन मिलेगी वो एक स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए पचास हजार रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन है एक पेंशन की इनकम यदि है आपकी तो पेंशन की इनकम की डिडक्शन उसमें मिल जाएगी पंद्रह हज़ार रुपये या वन थर्ड ऑफ द पेंशन तक का अमाउंट अच्छा और तीसरी एक जो डिडक्शन है एनपीएस की लेकिन एनपीएस में भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि हम एनपीएस बहुत सारे लोगों ने जो कि अपने खुद से उन्होंने एनपीएस के अकाउंट ओपन कराए हुए हैं और वो उसमें अभी तक पैसे जमा करते हुए आए थे नए टैक्स रिज्यूम में एनपीएस की डिडक्शन केवल उनको ही मिलेगी जिनका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है पचास हजार रुपए यदि वो खुद से जमा कराएंगे तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी अच्छा अच्छा मतलब तरफ से यदि एम्प्लॉयर की तरफ से कंट्रीब्यूशन आया है तो है। आप उसका डिडक्शन ले सकते हैं यदि आप उसमें खुद से जमा करा रहे हैं तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा और आप जब भी कैलकुलेशन करें अब आपका रिटर्न भरने का समय नजदीक आने ही वाला है हाँ, तो आप दोनों तरीके से आपकी कैलकुलेशन करें जी, नए टैक्स रिज्यूम में यदि आपको फायदा मिल रहा है तो आप नए टैक्स रिज्यूम में बिल्कुल जाए उसमें फायदा है जी जी जी, जी. अच्छा इसमें जो व्यापारी वर्ग है हाँ वो और सेलरीड हाँ, इन दोनों के लिए कुछ अलग अलग इनके बेनिफिट्स हैं या सबके लिए एक समान है वो बेनिफिट्स की जो डिडक्शन की बात है वो सेम है लेकिन व्यापारी वर्ग को एक बार कौन सा किसके लिए सुटेबल रहेगा सैलरीड एम्प्लॉयीज़ के लिए जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि सात साढ़े सात लाख रुपए हाँ। तक की इनकम है तो आप नए टैक्स रिज्यूम में चले जाएं वहाँ पे आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा यदि आप सेविंग करना चाहते हैं सेविंग की इच्छा है ए टी सी ए टी डी ए टी 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 ए इन सब का यदि बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप ओल्ड टैक्स रिज्यूम में बिल्कुल जा सकते हैं व्यापारी वर्ग के लिए एक फॉर्म अलग से है वो आपको एट द टाइम ऑफ रिटर्न कंसिडर करना पड़ेगा अच्छे यदि अच्छे। आप वो भर देंगे तो आप न्यू टैक्स रिज्यूम में जा सकते हैं और एक बार यदि आप उसका चयन कर लेंगे तो आप फिर ओल्ड पीछे नहीं आ, आ पाएंगे अच्छा पीछे अच्छे। नहीं आ पाएंगे तो एक बार आप उसको सोच समझ के अपने विशेषज्ञ से सलाह लेके वो आगे बढ़ मतलब सैलरीड के लिए दोनों ऑप्शन रहते हैं बिल्कुल है ना और जो अगर बिजनेस क्लास हैं तो एक बार वो अगर न्यू में आ जाएंगे तो फिर ओल्ड में नहीं जा सकते जी शलेश जी अगर हम इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा सा फिल्टर लगाएं और इन्वेस्टमेंट को हम अगर टैक्स सेविंग स्कीम तक ले आए तो ऐसे कौन कौन से ऑप्शन हैं जहां इन्वेस्टमेंट के जरिए आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं देखिए स्टार्टिंग आप करना चाहें तो बैंक एफ डी से भी कर सकते हैं बैंक के अंदर पाँच साल की एफ डी होती है एटी सी के अंतर्गत में तो वहाँ एक आम आदमी जाके अपना वो भी कर सकता है बैंक के अंदर जाके उसके अंदर लॉक इन होता है पाँच साल का इसके बाद में इसके बाद में होता है पी पब्लिक प्रोविडेंट फंड वो चाहे तो बैंक के अंदर कर सकता है पोस्ट ऑफिस में जाके भी कर सकता है वहाँ पे मिनिमम पंद्रह साल का एक इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और साढ़े सात साल के बाद वो कुछ अपनी आधी अवधि निकाल सकता है उसके बाद तो इंटरेस्ट रेट आता है करीबन सेवन का और एन न्यू पेंशन स्कीम तो सर ने आपको रिटर्न बताई दी है और एन भी आप ख़रीद सकते हैं इसके बाद में आप इंश्योरेंस के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एक सबसे ज़्यादा जो प्रचलित में अभी बात आ रही है जब अपन बात कर रहे हैं कंट्री की ग्रोथ की या शेयर मार्केट की तो वो है म्यूचुअल फंड्स के अंतर्गत में ई स्कीम म्यूचुअल फंड ई टैक्स सेविंग फंड्स जो होते हैं उसके अंदर आपको इन्वेस्ट की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है तो ये कुछ इन्वेस्टमेंट्स मैंने आपको बताएँ जी जी समय ऑनलाइन इनकम टैक्स फाइल किया जाता है और लगभग ऑनलाइन ही हो रहा है काफ़ी कुछ है तो जो लोगों को जानकारी नहीं है तो वो अपने एडवाइज़र के पास जाते हैं करते हैं उन्हें क्या क्या ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो ध्यान में रखना चाहिए या अगर खुद भी करना चाहे ऑनलाइन अगर कोई तो क्या प्रोसेस उसकी रहेगी यदि आपका रिटर्न जो है मेरा ऐसा मानना है कि यदि बहुत सिंपल है जिसमें ज़्यादा जैसे आपकी खाली पेंशन से ही स्कीम है बाकी कोई अन्य स्रोतों से आए नहीं है या सिंपल यदि आपकी सैलरी की ही इनकम है तो आप आपका रिटर्न स्वयं भर लें लेकिन यदि आपके अदर सोर्सेज से भी कुछ इनकम है या हेड्स आपके ज़्यादा हैं कुछ बिजनेस इनकम भी हैं अदर इनकम भी हैं तो मेरा ऐसा सुझाव रहेगा कि आप एक वित्तीय सलाहकार से सलाह लेके और फिर रिटर्न भरें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि कई एआईएस आई इंफॉर्मेशन वो ऐसी रहेगी जो एक आम नागरिक या आम व्यक्ति नहीं, समझ नहीं समझता है वो नहीं देख पाएगा उस केस में यदि उसने उसको नहीं दर्शाया और उसके बाद बाद में नोटिस आया तो उसको एक अननेसेसरी की परेशानी का सामना करना एक पड़ सकता क्लिक की है गलती आपको काफ़ी भारी पड़ सकती है हाँ। उसमें इसलिए सोच इसलिए यदि आप कोई अगर आपकी थोड़ा सा भी अन्य स्रोतों से आए हैं कुछ और टिपिकल जी है तो आप मेरा यही सुझाव रहेगा कि वित्तीय सलाहकार के सलाह लेके ही रिटर्न भरें तो ज़्यादा अच्छा रहे अच्छा रहेगा कई कई लोग यूलिप की तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं यूलिप में ऐसा क्या आप देखते हैं कि वो, वो फ़ायदेमंद रहता है उसमें देखिए पहले क्या होता था कि आम आदमी के पास में टैक्स सेविंग के नाम पर सिर्फ एक ही नजर में बात आती थी, थी। सीधा जाके इंश्योरेंस खरीद लेने का और वो होते थे ट्रेडिशनल प्लान्स अब जैसे जैसे नए प्लेयर्स मार्केट में आते जा रहे हैं प्राइवेट प्लेयर्स आते जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली अब यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी इसका फुल फॉर्म है यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी यूनिट लिंक्स मतलब आपके जो इंश्योरेंस या जो भी आपके इन्वेस्टमेंट है उसको शेयर बाज़ार से या डेट बाजार से जोड़ दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली आपके रिटर्न्स के अंदर इजाफा होता है तो वो होती यूनिट लिंक पॉलिसीज जी ये मार्केट के उतार चढ़ाव से इसके अंदर लिंक होता है या जो भी मार्केट के उतार चढ़ाव होते हैं उसका इम्पैक्ट इसके ऊपर आता है अच्छा बिल्कुल आता है अनिश जी कई लोग रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं अब उसका जो उसको पैसा आता है उस पर भी टैक्स लगता है तो उसके लिए क्या गवर्नमेंट ने इस तरह की बेनिफिट दिए हैं क्या ऑप्शन दिए हैं कि वो वहाँ टैक्स सेविंग आप कर सकते हैं जी प्रॉपर्टी से रिलेटेड यदि आपने कोई खरीद कई करी है यदि आपने कोई प्रॉपर्टी किसी वित्तीय वर्ष में बेची है तो आपके पास दो तीन ऑप्शन हैं कि उससे आया हुआ कैपिटल गेन है वो कैपिटल गेन को आपको कैसे बचाना है कैसे तो यदि आप उसके एवज में कोई दूसरा रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी आप ख़रीद सकते हैं अब यदि आपने जब प्रॉपर्टी बेची है उस समय यदि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है आ, कि हाथों हाथ हम क्या निर्णय लें तो उसके लिए कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट्स जो कि बैंक में खुलते हैं आप उसमें बैंक में ओपन करवा के वो कुछ समय अवधि निर्धारित रहती है उस समय अवधि के लिए आप वहाँ पे वो पैसा रख सकते हैं और जब आपका डिसीज़न फाइनल हो जाए तो आप उस अकाउंट में से आप उस प्रॉपर्टी को परचेज कर सकते हैं जी तो उस पर कितना समय मिलता है कैपिटल गेन का जो जमा करने का समय होता है वो जिस भी डेट को आपने बेचा है वहाँ से छः महीने या फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के पहले आपको उस वित्तीय वर्ष में वो अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा अच्छा। और उसमें जो भी सेल कंसिड्रेशन की राशि आई है वो वहाँ पे आपको करने जमा करानी रहेगी तो उस राशि को हम कितने साल तक रोक सकते हैं आ, जैसे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात करें तो उसमें तीन प्रोविज़न है कि यदि आप चाहें तो उसका जो घर बनाना है आपने घर लिया है उसको बनाने का आपको जो समय है वो तीन साल का है उसमें से आप वो अमाउंट जैसे जैसे आपने प्लॉट खरीदा फिर उसमें घर बनाया तो उसमें आपको तीन साल का समय मिल जाता तीन साल। है। बना बनाया लिया है तो बना बनाया लेना है तो आपको दो साल का समय मिलता है और एक साल पहले तक भी आप उसको प्रॉपर्टी को एडजस्ट कर सकते हैं इसमें भी एक प्रोविज़न रह गया था कि जो एटी जो नए टैक्स रिज्यूम में यदि अपन बात कर रहे थे तो वहाँ एक इसका जो मैंने तीन छूटें आपको बताई थी उसमें एक छूट रह गई थी यदि आपने कोई प्रॉपर्टी ली है और उस प्रॉपर्टी को आपने रेंट आउट किया है तो उससे उसका जो ब्याज यदि आप बैंक से भर रहे हैं तो उसकी डिडक्शन नए टैक्स रिज्यूम में भी मिल जाएगी जी जी कई लोगों को ये भी लगता है कि मान लीजिए प्रॉपर्टी का पैसा उनका आया कैपिटल गेन में भी डाल दिया हाँ। लेकिन उस अमाउंट की कुछ राशि हाँ। वो अपने दूसरे खर्चों में शामिल करना चाहिए अगर शादी है किसी के बच्चों की या कुछ और है तो क्या ऐसा हो हो सकता है नहीं उससे आ, प्राप्त हुआ हुआ जो गेन है हाँ। वो अब आप उसको वहां जमा करा सकते हैं एक ऑप्शन और है कि आप वो जो गवर्नमेंट के जो फिफ्टी फोर ई के जो बॉन्ड होते बॉंड हैं वो परचेस कर सकते हैं उसमें आपको ये बाध्यता खत्म हो जाएगी कि आपको उसके एवज में प्रॉपर्टी खरीद लेकिन, लेकिन वो बॉन्ड खरीद लेकिन वो बॉन्ड खरीदना पड़ेगा लेकिन और उस पैसे को आप आवासीय अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में ही आप लगा भी खरीद सकते हैं या फिर आप बॉन्ड खरीद लें तो बॉन्ड में आपकी वो बाध्यता खत्म हो जाएगी और जो ब्याज आएगा वो ब्याजा अच्छा मान लीजिए ज़मीन के बदले ज़मीन कोई खरीदना चाह रहा है जी रेसीडेंसल की जगह वो एग्रीकल्चरल लैंड ले, ले सक, लेगा। उसमें भी कुछ प्रोविज़न है जिसमें आपको छूट मिल सकते हैं जी वो किस तरह से ले सकते हैं अगर एग्रीकल्चरल लैंड लेना चाहे उसमें एग्रीकल्चर लैंड लेना चाहे तो पहली बात तो आपने बेचा क्या है इस पर डिपेंड करेगा कि आपने क्या बेचा है एग्रीकल्चर लैंड बेच के एग्रीकल्चर लैंड की आपको छूट मिल जाएगी और यदि आप उससे एग्रीकल्चर लैंड लेना चाहते हैं तो नहीं ये मैं पूछ रहा हूँ कि एग्रीकल्चरल लैंड की जगह रेसिडेंशियल लैंड या रेसिडेंशियल लैंड बेचने के बाद एग्रीकल्चरल भूमि अगर कोई रहना चाहे कृषि भूमि हाँ तो क्या तो ये तालमेल बनता है नहीं बनेगा नहीं बनता है, है। आपको रेसिडेंशल के बदले रेसिडेंशल और एग्रीकल्चर के बदले एग्रीकल्चर ही ली जी शैलेश जी आगे क्या आप बताना चाहेंगे कि जैसे कैपिटल गेन अकाउंट होता है तो अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहे की मैं बात आपसे जानना चाह रहा हूँ एक्चुअली अगर कैपिटल गेंस अगर प्रॉपर्टी uh, से बेच के निकलता है तो एक फिफ्टी फोर ई के बॉन्ड्स आते हैं हाँ। उसके अंदर आप निवेश कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स बेसिकली गवर्नमेंट इशू करती है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर्पज के लिए तो उसका क्राइटेरिया अलग हो गया तो, तो क्या डेट फंड्स की तरह होते हैं वो फिफ्टी फोर ई सी हाँ वो डेट फंड होते हैं उसके ऊपर जो ब्याज आता है वो टैक्सेबल होता है वो, होता वो है। होता। लेकिन जो सपोज आपने एक लाख रुपए जमा करे तो जब आप उसको निकालोगे तो उसके अंदर इसके तो जो ब्याज आ रहा है वो रहेगा अच्छा तो उसमें टैक्स बेनिफिट नहीं है जिस में आप आ रहे हैं उसी से अभी अगर हम मार्केट की वर्तमान स्थिति को देखें और इन्वेस्टमेंट की कुछ प्लानिंग करें तो किस तरह का पोर्टफोलियो एक आइडियल पोर्टफोलियो बन सकता है देखिए आपको अपने रिस्क को पहले एनालिसिस करना चाहिए मतलब मेरे लिए रिस्क अलग है अनिश जी के लिए रिस्क आ, लिस्क लिस्क, अलग है आपके तो लिए रिस्क पहले बैठ करके किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ में करें उसको उसके अकॉर्डिंगली अपने जितने भी आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं चाहे वो रिटायरमेंट प्लानिंग हो बच्चों की एजुकेशन हो आपको कहीं बाहर घूमने जाना हो कार खरीदनी हो या बच्चों की शादी हो वो सब के अकॉर्डिंगली आपको इन्वेस्टमेंट प्लान कर लेना चाहिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आम आदमी के लिए मैं बेस्ट समझ सकता हूँ कि एक गोल बनाएँ कि कुछ पैसा इक्विटी में भी डालें कुछ पैसा गोल्ड में डालें इक्विटी uh, के अंदर आप आम आदमी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जा सकता है थोड़ा प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप अगर निवेश करना चाहें वो और कुछ इमरजेंसी फंडस आप एफडी के तौर पे भी रख सकते हैं तो एक पूरा मिक्स आपको पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है जो आपको कॉन्टेंटेंसी की मतलब एकदम से आकस्मिक जरूरत भी आ गई पैसे की तो आपको किसी का मुँह न देखना पड़े तो उसके लिए आप एफ से स्टार्ट करके उस पैसे को अलग रखें आपको सबसे पहले अपना मेडिक्लेम भी कराना चाहिए आज के डेट में क्योंकि आम आदमी को सबसे पहले जो फंड्स की ज़रूरत पड़ती है आकस्मिक वो हेल्थ इश्यूज़ के चक्कर में पड़ती है तो आप मेडिकल भी कराएं और अपने निवेश जब आम आदमी को पता रहेगा कि मैं सिक्योर हूँ तो आदमी लंबी अवधि के लिए अपने इन्वेस्टमेंट्स बड़े अच्छे से प्लान कर सकते चाहे वो म्यूचुअल फंड हो शेयर हो या आ, कहीं भी हो अच्छा होराइजन के कितनी uh, महत्वपूर्ण रोल यहाँ निभाता है लॉन्ग टर्म होराइजन रखें या शॉर्ट टर्म किसी को प, जल्दी पैसे की जरूरत है मान लीजिए हाँ तो अलग 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 पर्पज के लिए अलग अलग स्कीम्स होती है जैसे आपको लगता है कि मैं साल भर के अंदर मुझे पैसे की जरूरत है या छः आठ महीने के पैसे की जरूरत है आप बैंक एफ डी करें जाके क्योंकि वो क्योंकि अगर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो मानते कम से कम तीन से पाँच साल प्लस का हॉराइजन हो तो ही उसके अंदर निवेश करें अदरवाइज बैंक के अंदर एफडी से स्टार्ट करें या म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी काफी सारी डेट ओरिएंटेड स्कीम होती है जो जो ब्याज के अकॉर्डिंग से वहाँ भी आप निवेश कर सकते हैं लेकिन आप उन स्कीम्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते समय ये जरूर ध्यान में रखें कि इनके रिटर्न आपको इक्विटी जैसे नहीं मिलेंगे लेकिन हाँ बैंक एफ से बेटर मिलेंगे सही है उसमें आपको आपकी इन्वेस्टमेंट सुरक्षित भी है हाँ लिक्विडिटी भी है लिक्विडिटी भी है है ना और थोड़ा बहुत प्रॉफिट है उन्नीस बीस चलता है, है। सुरक्षा मिलती बिल्कुल सुरक्षा है। मिलती है। जी अभी हम बात करते हैं अनिश जी कई लोग लोन ले लेते हैं लोन का सीधा सीधा संबंध टैक्स से भी होता है तो कुछ एजुकेशन लोन है या होम लोन्स हैं इस तरह के तो उसमें आयकर विभाग के क्या प्रावधान है नए टैक्स रिज्यूम में तो अब इस तरह की कोई रिडक्शन है ही नहीं अच्छा, अच्छा मतलब नए टैक्स रिज्यूम में तो जो फ्लैट रेट अब आ गई हैं तो नए टैक्स रिज्यूम के अकॉर्डिंग आपको इसी तरह के किसी भी लोन का प्रावधान नहीं है जो एक इन लेट आउट प्रॉपर्टी पे जो इंटरेस्ट की छूट है वो मैंने आपको नए टैक्स रिज्यूम में बता दी है और वो उसी में मिलेगी पुराने टैक्स रिज्यूम के अकॉर्डिंग जाएंगे तो छूट मिलेगी मतलब जैसा ओल्ड तो और न्यू में स्लैब में भी काफ़ी फ़र्क है वहां ज़रूरत हाँ। पड़ती है आपको टैक्स सेविंग स्कीम के बारे में हाँ। लेकिन न्यू रिज्यूम में ऑलरेडी इतनी उसका दायरा बढ़ा दाएरा दाएरा बढ़ाया हुआ हाँ। है, वहां वो वो है कि वहाँ फाइव टैक्स आ गए हैं कि तीन लाख तक आपका कोई टैक्स नहीं है तीन से छः परसेंट में पाँच परसेंट फिर छः से नौ परसेंट जी में दस परसेंट फिर नौ से बारह बारह से पंद्रह और पंद्रह नाउ इस तरह का स्लैब दिया हुआ है और जहाँ तक अपन बात करें इक्विटी पे निवेश की टैक्सेशन की हाँ। या डेट में निवेश के टैक्सेशन की वो भी अपन एक दो मिनट में डिस्क्राइब कर देता हूँ मैं जी, जी कि यदि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है चाहे वो इक्विटी से हो या इक्विटी लिंक म्यूचुअल फंड से हो शॉर्ट टर्म का मतलब हो गया जो कि आपने एक साल से पहले बेच दिया हो अच्छा चाहे आपने आज खरीदा हो पंद्रह दिन बाद बेचा हो एक महीने बाद बेचा हो तो उस पर पंद्रह परसेंट आपको टैक्स लगेगा यदि आपने लॉन्ग टर्म के विजन से लिया है तो उसमें दस परसेंट का टैक्सेशन आएगा और इसी प्रकार से यदि आपने डेट में इन्वेस्ट किया है और डेट डेट फंड में लगाया है तो डेट से आने वाला यदि तीन साल के पहले आपने जिसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं हाँ। यदि उसके पहले बेच दिया है

और वहाँ अगर ये टैक्स लग रहे हैं उसके हाँ तो उसको थोड़ा सा और दर्शकों को संशय होगा कि फिर जब टैक्स लग रहा है तो फिर टैक्स सेविंग एक, कैसे होगी हमारी मैं एक चीज़ में बोलना चाहूँगा इक्विटी म्यूचुअल फंड सेविंग स्कीम जो होती है आ, बोलते हैं ई एल एस एस स्कीम्स म्यूचुअल फंड के अंतर्गत में उसमें आप जो भी टैक्स सेविंग कर रहे हैं और नेचुरली आप उसको तीन साल तक होल्ड कर रहे हैं तो तीन साल के बाद ही उसको पैसे को भी निकालेंगे तो एक म्यूचुअल फंड के अच्छा बेनिफिट ये है कि एक लाख रुपये तक की इनकम तो उसमें होती है तो वो टैक्स फ्री है सपोज आपने एक लाख रुपये लगाया और चार साल बाद आपने निकाले उसके अंदर एक लाख पचास पचास हजार है जो गेन हुआ है वो टैक्स फ्री है लेकिन चूंकि अगर इसको अगर अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं कि आपने दो लाख रुपए लगाए हैं और पांच लाख रुपए निकाले हैं तो आपका गेन हुआ है तीन लाख रुपए का लाक 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 में से एक लाख रुपए की छूट मिल गई अब आपको टैक्स जो देना है वो दो लाख पे देना है वो भी दस परसेंट तो ये टैक्स इफिशियंट अच्छा। बहुत है अच्छा अच्छा आपके निवेश के ऊपर जो आप अर्न कर रहे हो जो आप कमा रहे हो वो सबसे ज्यादा टैक्स इफिशियंट आपको इसमें मिलता है मिलता एक है एक लाख की छूट भी मिल रही है और आपकी बढ़त पे अगर इक्विटी है तो उस पर दस का ही टैक्स देना है अब जी इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ देता हूँ जो टैक्स प्लानिंग की अपन बात कर रहे हैं उस टैक्स प्लानिंग को यदि अपन उससे जोड़ लें जैसा कि मैंने कहा कि आप हर तीन महीने चार महीने में एक बार मिलें तो उससे क्या होगा सब आपका जो हर साल यदि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसमें यदि एक एक लाख रुपए का लॉन्ग टर्म आप हर साल बुक करते रहेंगे तो आपका वो हर साल एक एक लाख रुपया फ्री होता रहेगा अब आप समझिए कि यदि आपने वो तीन साल बाद बुक किया, जैसा कि सर ने बोला हाँ तो आप. वो क्या हुआ अगर आपका लाख का गेन आया तो सीधा आप के ऊपर टैक्स लग गया लेकिन टैक्स फ्री हो जाता उसके लिए सबसे उपयुक्त यह है कि आप उसको उस साल में बुक करें और अगले दिन वापस निवेश कर दें तो ये आपका टैक्स सेविंग क्योंकि आ, पूरा हो जाएगा बिल्कुल ईयर ईयर और करंट में में काफी कुछ कंफ्यूज भी तो हो जाते हैं तो जिस साल में आपको एक लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अपनी पूंजी को निकाले नहीं उसको वापस री इन्वेस्टमेंट करें वो आपके भविष्य में काम आएगी जनरली आदमी सोचता है कि मैंने निकाल लिया तो ठीक है बोले मेरा तो प्रॉफिट है उसको वापस से री इन्वेस्टमेंट करो ताकि वो वापस और बढ़े जी तभी आपके फाइनेंशियल गोल्स को आप मीट आउट कर पाएंगे कई बार पोर्टफोलियो में लोग गोल्ड को भी शामिल करते हैं करना भी चाहिए करना भी, करना भी चाहिए करना भी चाहिए तो अगर हम ई टी एफ फॉर्म में लेते हैं या इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड या सोवरन बॉन्ड वगैरह भी तो यहाँ टैक्स का क्या प्रावधान रहता है जहाँ आपने गोल्ड, गोल्ड बॉन्ड की बात करी वो हर व्यक्ति को समय समय पर लेता रहना चाहिए उसके दो बेनिफिट हैं जी पहला बेनिफिट तो सबसे बड़ा बेनिफिट यदि आप वो जिस दिन इशू सरकार के द्वारा किया जाता है उस दिन लेते हैं हाँ। और उसको सात साल बाद बेचते हैं तो उसका लॉक इन पीरियड जो होता है वो सेवन ईयर होता है यदि सात साल के बाद बेचेंगे तो उस पर हुए हुए गेन पे एक भी रुपया आपको टैक्स नहीं लगेगा अच्छा, जैसे अच्छा। जैसे मान लीजिए आज से तीन साल पहले बत्तीस सौ रुपए के रेट में ये इशू हुआ था और आज गोल्ड का भाव सभी को मालूम है छिहत्तर हजार का हो गया है और लगभग लगभग जो फर्स्ट रन इशू हुआ था उसके सात ईयर कंप्लीट हो चुके हैं आज यदि उसको आप रिडीम कराएंगे तो आपको जो पैंतीस हजार रुपए का गेन हुआ उस पर टैक्स नहीं है और उस पर ढाई का जो सालाना आपने ब्याज कमाया वो भी एक आपकी एडिशनल इनकम होगी इंटरेस्ट की जो इनकम आएगी वो इनकम में जुड़ जाएगी लेकिन जो इतना बड़ा गेन हुआ उस पर हाँ, किसी व्यक्ति ने उसको सात उस पीरियड के बीच में बेच दिया सात साल से पहले पहले, पहले तो पहले मेचोरिटी की डेट के यदि पहले बेच दिया तो जो भी टेन्योअर में उसने बेचा है यदि वो शॉर्ट टर्म के दायरे में आएगा तो शॉर्ट टर्म टैक्स लगेगा और लॉन्ग टर्म में आएगा तो लॉन्ग टर्म लगेगा और ये बहुत अच्छा माध्यम है निवेश करने का क्योंकि गोल्ड को सुरक्षित रखना अपने आप में एक जोखिम भरा कार्य हो बिल्कुल, गया बिल्कुल, बिल्कुल। लोग घर में नहीं छोड़ सकते चोरी का डर है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहेगा और चूंकि ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहेगा तो आपके डिमेट अकाउंट में रहेगा तो वहां पे किसी भी तरह का चोरी का या किसी भी डर की आपको गुंजाइश नहीं रहेगी और जब भी आपको जरूरत पड़ेगी बच्चों की शादी के समय आप उसको रिडीम करके और ज्वेलरी लेकिन ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि गोल्ड को भी अगर आप सॉवरन बॉन्ड वगैरह की हम बात करें सात साल अगर आप उसको रखते हैं उसके बाद अगर वो बेचते हैं तो उस पर आपको टैक्स की बेनिफिट्स और ये समय समय पर इशू होते रहते हैं साल में चार पाँच बार तो मेरी सभी दर्शकों से ये निवेदन है अच्छा इसमें सबसे अच्छी ब्यूटी ये है कि आप इसको एक ग्राम के मल्टीपल में भी ले सकते हैं एक ग्राम दो ग्राम तीन ग्राम चार ग्राम जिसकी जैसी स्थिति हो वैसी आ, अपने हिसाब से परचेज कर सकता है जी 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 चलिए जैसी अपनी स्थिति है उस हिसाब से कर सकते हैं लेकिन अपनी स्थिति का आकलन व्यक्ति को किन बिंदुओं पर करना चाहिए शरीश जी देखिए एक्चुअली क्योंकि सबकी परिस्थितियाँ अलग हैं सोर्स ऑफ इनकम्स अलग हैं लाइविलिटीज अलग हैं भविष्य की योजनाएं जिम्मेदारियां भी सबकी अलग अलग हैं देखिए और महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया महत्वपूर्ण वो है कि आप कंटिन्यू उसको किस गंभीरता से रखता है देखिए ये हर एक बहुत सब्जेक्टिव मैटर है हर आदमी का अपना अपना एक रिक्वायरमेंट होता है और जब आदमी का रिक्वायरमेंट उसको पता होना चाहिए नहीं तो किसी निवेशक सलाहकार से मिल करके अपना गोल डिसाइड कर ले उसको पूरा पता होना चाहिए कि अगर आज मैं सोचता हूँ कि मुझे इतने रुपए की ज़रूरत में मेरा काम पूरा हो सकता है और उसको ही ज़रूरत भविष्य में होने वाली है तो उसमें दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ी ऐसी महंगाई था जिसको अपन बोलते हैं उसको ध्यान में रखते हुए अपने इन, इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करें उस साथ ही साथ में इन्फ्लेशन के बारे में भी एक छोटी सी चीज़ बोलूँगा आम आदमी को लगता है कि आ, जो पब्लिक में छपता है पेपर में छपता है इन्फ्लेशन छ छः परसेंट दस परसेंट आठ परसेंट लेकिन उसको ये भी देखना चाहिए अगर एजुकेशन के लिए प्लान कर रहा है तो एजुकेशन के अंदर हाईएस्ट इन्फ्लेशन है आज की डेट में तो वो सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए अपने निवेश को आ, आ, स्टार्ट करना चाहिए जितनी जल्दी हो सके उतना स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि जितनी जल्दी आप चालू करोगे उतना कम अमाउंट से आपको चालू करना पड़ेगा जी अगर मान लीजिए कोई आ, अनिश जी कोई ओल्ड रिजिम में चल रहा है और वो लोन्स ले रखे हैं और लोन्स के वो अपने टैक्स बेनिफिट ले रहा है और वो उसी को कंटिन्यू रखना चाहे बिल्कुल रख सकता तो है तो उसमें एजुकेशन लोन या होम लोन्स का किस तरह से उसको शो करना पड़ेंगे पुराने और क्या उसके फायदे रहेंगे हाँ मैंने यही बोला कि यदि किसी भी व्यक्ति की इन्वेस्टमेंट लोन ये जी. सारी चीज़ें चल रही है ए सी में उसका निवेश हो रहा है तो उसको पुराने टैक्स रिज्यूम के अनुसार कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए और करनी भी चाहिए अच्छा। और इस वित्तीय वर्ष में हम दोनों तरीके से कैलकुलेशन करके ही क्लाइंट्स को देंगे जिसमें उसका फ़ायदा होगा हम वही रिटर्न उसका फाइल करवाएंगे और अपन चु वित्ते और निवेश दोनों को जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे यही मॉड्यूल एक फाइनेंशियल प्लानिंग वाला भी मॉड्यूल हो जाता है कि आप आपकी फाइनेंस की पूरी इस तरीके से प्लानिंग करें आ, किसी भी व्यक्ति के साथ बैठ के किसी सीए के साथ बैठ के किसी निवेश सलाहकार के साथ बैठ के वो आपकी दोनों की प्लानिंग में आपकी मदद करेगा आपको निवेश किस तरीके से करना चाहिए टैक्स किस तरीके से कैलकुलेशन होगा और उसमें किस तरीके से उसको टैक्स को मिनिमाइज किया जा किया जाएगा, जाएगा। बिल्कुल शरीश जी इन्वेस्टर्स के सामने चॉइस बहुत सारी है बहुत वैरायटीज उसको सामने देख जैसे हम किसी शोरूम में जाते हैं तो वो तरह तरह की चीज़ें हमें बताते हैं और तो वहाँ कंफ्यूज भी हो जाती हैं अब इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारी कंपनी जो है हम कंपनी का नाम नहीं लेंगे सेक्टर वाइज भी अगर बात करें अब व्यक्ति वहाँ जाके अपना निर्णय कैसे ले कि उसको कौन सा फ़ंड चूज़ करना चाहिए देखो म्यूचुअल फंड्स के अंदर बहुत सारी कंपनियां भी आ गई हैं और हर कंपनी के, सारे सब के बहुत सारे फंड सबके सब अपने बेनिफिट्स हैं और सबके अपने प्रलोभन भी, भी है। हाँ। तो हैं हाँ तो एक चीज़ मैं जरूर ध्यान में रखते हुए बोलूँगा कि आम आदमी सोचता है कि पिछले रिटर्न चार्ट देखता है कि ये पर्टिकुलर स्कीम ने इतना रिटर्न दे दिया तो उसके ऊपर खाली उसी के ऊपर फोकस रख के अपने इन्वेस्टमेंट्स ना करें दूसरी चीज़ अपने इन्वेस्टमेंट्स को सिंपल बनाएं कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएं कि आपने पर्टिकुलर ये सेक्टर फंड को भी आज ये चल रहा है तो ये ले लिया सपोज़ एग्जाम्पल के तौर तो पर बात करूँ सपोज आज लगता है कि टेलीकॉम चल रहा है या फार्मा चल रहा है या आई चल रहा है एफ चल रहा है भाई ये अच्छा चल रहा है इसको ले लो तो ऐसा ना करें अपने इन्वेस्टमेंट को बहुत सिंपल बनाएं और एक डाइवर्सिफाइड फंड्स के अंदर कोशिश करके इन्वेस्टमेंट्स उसी के अंदर करें अलोकेशन जरूर देखें कि लार्ज कैप के अंदर कितना है मिड कैप के अंदर कितना है स्मॉल कैप के अंदर के अंदर है और अपने पोर्टफोलियो के अंदर ये भी चेक करें कि सेक्टोरियलोकेशन प्रॉपर है कि नहीं ये सब चीजें उसके साथ में कोई सलाहकार हो तो उससे भी बात करें और वो भी ध्यान में रखें कि पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर वो कंपनी ने अपने ओवर वेट तो नहीं कर रखा है उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है अंडर वेट आप किसी सेक्टर से पूरी तरह से गायब तो नहीं हो हाँ। तो ये सब चीजें ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, हैं अच्छा मतलब सारी बातें अच्छा कई बार जो कंडीशंस भी लिखी रहती हैं कई बार हम देखते हैं क्योंकि विज्ञापन पे तो कभी नहीं जाना चाहिए आप सुन लो समझ लो लेकिन निर्णय अपने विवेक से लो समझ आप बहुत सारे उसके फायदे बताएंगे लेकिन बहुत जल्दी से एक स्पीड में निकल जाता है कि म्यूचुअल फंड में बाजार व्यवस्था के अधिकार खुद का हार्ड एंड मनी है मैं रिक्वेस्ट करूंगा निवेशकों से आम आदमियों से ऑडियंस से कि आपका खुद का बहुत मेहनत का कमाए पैसा है सोच समझ के ध्यान से समझ करके इन्वेस्टमेंट्स करें होता यह है कि इन्वेस्टमेंट करते समय जो सामने वाले ने बोल दिया कर दिया ऐसा तो आ, सामने वाला कोई बुरा तो नहीं करेगा बट फिर भी सोच समझ के इन्वेस्टमेंट्स करें समझने में कोई बुराई नहीं है जी जी आप समझेंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने लिए बिल्कुल सही है अच्छा अरीश जी आजकल आईटीआर फाइल करने में भी काफ़ी सख्ती है और बहुत अच्छी सिस्टम हो गया है तो कई बार उसको लोग गंभीरता से अभी भी नहीं ले पाते हैं उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि आई को फाइल करते समय पूरी गंभीरता बरतें और समय के अंदर वो करें क्या उसका उनका उनको नुकसान क्या हो सकते हैं भविष्य में आयकर भरना किसी भी नागरिक के लिए अपना देश के प्रति बिल्कुल एक दायित्व कर्तव्य है वो आप देश के विकास में योगदान आप दे रहे देश के आप में। विकास में योगदान दे रहे हैं तो वो भरना आपका एक परम कर्तव्य होना चाहिए आप उससे डरें या घबराएं नहीं सरकार ने सुविधा दी हुई है कि अगर आपकी सात लाख रुपए तक की इनकम है तो आपको किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना है आप अपना कार्य बहुत ईजी वे में कर सकते हैं लेकिन अगर आपकी उससे ज़्यादा इनकम आ रही है तो आप उसको दर्शाएं घबराएं नहीं इनकम टैक्स कोई आपको इस तरीके से पेनलाइज़ नहीं करेगा कभी भी कि आपको आपको किसी भी तरह की कोई हानि हो जाएगी इसलिए आपको प्रोएक्टिव होकर देश के विकास में अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए अपने देश को बढ़ाने के लिए आगे से जितना योगदान देना, योगदान सब देना सब चाहेंगे उतना योगदान देना यह खुशकिस्मती है कि हम, हम इस काबिल हैं कि हैं। हम देश के विकास में योगदान दे योगदान रहे हैं आयकर के रूप में इसलिए उसको आप अपना एक सौभाग्य समझना चाहिए कि हम देश की प्रगति में हिस्सेदार बन पाए हम विकास की बात है तो विकास तो चाहिए हमको लेकिन विकास होगा कैसे वो आपको मौका मिल रहा है कि आप उसमें अपना योगदान दे रहे हैं बिल्कुल เฉลश जी कार्यक्रम का समय समाप्ति की हो रहा है चलते चलते ये कि आजकल यंगस्टर्स हैं खास तौर से जो नई जनरेशन है और कॉरपोरेट की तरफ जाते हैं लेकिन वहां भी एक काम करने की एक उम्र होती है अब उसके बाद में पेंशन का कंसेप्ट नहीं होता आजकल गवर्नमेंट सेक्टर में भी धीरे धीरे खत्म ही लगभग हो गया है। बिल्कुल सही है तो और पेंशन स्कीम पर टैक्स बेनिफिट्स भी हैं बिल्कुल पेंशन स्कीम में टैक्स बेनिफिट ऐसा नहीं है पेंशन स्कीम में जब आप निवेश करते हैं तो टैक्स बेनिफिट है हाँ, आपसे उसमें जो इनकम हो रही है उससे जब आप पैसा विड्रॉ करते वो वो हैं कि तो, कि तो अगर उस स्कीम में में जाते हैं आपको इनकम टैक्स छूट है में सबसे में बड़ी आम हम लोग सब मैं खुद एक प्राइवेट कंपनी के अंदर हूँ या कम काम किया हुआ है हमने तो ये देखें कि प्राइवेट के अंदर कोई पेंशन की सुविधा नहीं होती और अब तो गवर्नमेंट ने सारी जगह बंद कर दी है तो जितनी जल्दी अपना रिटायरमेंट कॉर्पस uh, के लिए आप सोचें उसके लिए निवेश करें उतना अच्छा है और म्यूचुअल uh, फंड्स के अंदर भी आप बहुत सारी स्कीम्स हैं जहाँ पे आप गोल बेस अपना गोल बना करके उसके लिए आप निवेश कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के अंतर्गत में रिटायरमेंट फंड्स भी हैं जिसके अंदर जी आपको बेनिफिट मिलता है कि आप अप टू एज ऑफ सिक्सटी तक आप इन्वेस्टमेंट uh, लें और वहाँ से एन्यूटू जिसको अपन बोलते हैं कि मंथली uh, अपने को कुछ पेंशन मिल जाए तो वो आप वहाँ से काफी कुछ है। जितनी जल्दी आपसे भी जानना चाहेंगे कि मान लीजिए लास्ट डेट निकल चुकी है आईटीआर फाइल करने की हाँ तो उसके बाद विध पेनल्टी या उसके बाद भी उनके लिए रास्ता खुला है बिल्कुल रास्ता खुला है आप अभी भी आ, अपना आयकर रिटर्न एक पेनल्टी भर के अच्छा इकतीस मार्च तक सबमिट कर सकते मतलब गए साल का जो है वो आप सबमिट कर सकते कर सकते पेनल्टी भरनी पड़ेगी और एक मैं आपको लास्ट में प्रोविजन और बता देता हूँ कि जो निवेश मतलब आयकर से ही बचत कैसे हो सकती है कुछ लोगों की जो समय सीमा प्रीमियम जो जाती है वो पाँच लाख से यदि ऊपर जाती है तो उसको एक प्लानिंग करके अपनी फैमिली में इस तरीके से डिसाइड कर लें अच्छा। कि वो पाँच के नीचे क्योंकि पाँच से यदि ऊपर प्रीमियम जाएगी तो उससे मिलने वाला जो अच्छा। रिटर्न है वो टैक्सेबल हो जाएगा अब नई स्कीम के तहत न्यू न्यूज रिव्यू के तहत तो आप उसको एक प्लान करके पांच लाख के नीचे कर लें ताकि वो आपके घर में यदि फैमिली में एक से ज्यादा मेंबर है तो हाँ, आप उसको सेग्रीगेट कर दें बिल्कुल से, तो आपके सूझबूझ के साथ गंभीरता से इस पर गहन विचार विमर्श करके ये काम करें और आपके लिए काफी बेनिफिट्स हैं आप दोनों विशेषज्ञ शैलेश जी आप और अनिश जी आप हमारे स्टूडियो में आए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों आपका भी धन्यवाद अगली बार नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए नमस्कार